वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, कल सुबह 10 बजे के उपरांत साक्षात एक देवी माँ आपके घर पर आने वाली है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, तैयार रहना बड़ी बड़ी खुशखबरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, धन दौलत रुपये पैसे से आपका पूरा घर भर देगी धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, धन देने वाली धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी हैं और वही कल सुबह 10 बजे के उपरांत आपकी राशि वालों के घर आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों वो आपके ऊपर प्रसन्न हो चुकी है। दिल खोल कर मांग लेना जो जो चाहिए, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी अब आपके सभी सपने साकार करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहचानने में भूल मत कीजिएगा और उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें लक्ष्मी जी सभी के घर नहीं जाते हैं और उनके स्वागत करने का अवसर मौका सभी को नहीं मिलता है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही लकी इंसान हैं, जो कि दोस्तों धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करने का अवसर आपको मिल रहा है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों कल सुबह 10 बजे के उपरांत अगर आपको कोई भी संकेत मिलता है तो समझ लीजिए ये शुभ संकेत माँ लक्ष्मी जी का ही हो सकता है। जी हाँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में अचानक काली चींटियां आने लगी या फिर काली चींटियां आपके घर में डेरा जमाने लगी, तो मेरे प्यारे मित्रों समझ जाइएगा आपके घर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा और ये बड़ी बड़ी सफलता मिलने के इशारा कर रही है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में चांदी के कछुए रखते हैं तो दोस्तों आपके घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि कछुए का डायरेक्ट कनेक्शन यानी कि सीधा संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी जी से है। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कल सुबह 10 बजे के बाद कौन से देवी माँ आपके घर आने वाली है और कौन कौन से लाभ होने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी का नाम लेकर। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि सूर्यास्त के बाद आपके घर में तीन तीन छिपकलियां एक साथ आने लगी तो समझ जाइएगा आपके घर बहुत ही जल्द धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी आने वाली है। जी हाँ, और बहुत ही जल्द आपके तमाम परेशानियां खत्म होने वाली हैं, चाहे वो परेशानियां कोई भी हो, खासकर पैसों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपके तमाम परेशानियां धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से दूर होने वाली है। जी हाँ, आगे की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। सितारे कहती हैं, आज आप जो भी कुछ शुरू करेंगे चाहे उसमें कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, आपको सफलता मिलनी तय है। साथ ही दोस्तों, अगर आपने नौकरी के लिए कोई आवेदन किया था तो कंपनी से इसकी जांच पड़ताल करें, आपको नौकरी से संबंध में एक अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। और सितारे कहते हैं, पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी आज आपको मिल सकता है। और अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं तो आज का दिन सौदे के लिए अनुकूल है। कुल मिलाकर भाग्य के दृष्टिकोण से समय उत्तम है। बाजार में फंसा हुआ धन बड़े आसानी से मिल सकता है और थोड़े से प्रयास में ही आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है, जिससे आपका मन पूरा दिन प्रसन्न रहेगा, गदगद रहेगा।
देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप आवेग के प्रभाव में आकर फैसले ले रहे थे, लेकिन आज आपको योजना बनाकर सही ढंग से काम करने की महत्ता का पता चलेगा। इसी से आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी और आपके कुछ काम का ढंग नियोजित होता जाएगा। योजना बनाने के लिए कभी देर नहीं होता है। जब जागो तभी सवेरा। योजना बनाकर आप सभी कामों को ढंग से पूरा कर पाएंगे और उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आज का दिन संबंध सुधारने और पुराने गलतफहमियों को स्पष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित समय है। जो गलतफहमी आपके मन में बहुत दिनों से पनप रहा था, जो डाउट था, उसे क्लियर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया कहा जा सकता है। आज आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जो आपसे कहीं ना कहीं दूर हो गया था, और इस बात की भी संभावना है कि प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे। अतीत और वर्तमान के रिश्तों का संतुलन साधना आज का दिन सबसे चुनौतीपूर्ण दिन रहेगा। देखिए दोस्तों, आज आप होने वाली घटनाओं के कारण और कई तरह की उल्टी सीधी सूचनाओं के कारण आप खुद को उलझन में फंसा हुआ अनुभव करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचना है और शांत मन से काम करना है। इस समय आपका सही मार्गदर्शन आपके मन की आवाज ही कर सकती है। जैसा आपका मन कहता है वैसा ही करें। इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे जिस दिशा में आप बढ़ना चाहती हैं, और आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन आपको सभी पहलुओं को जांच पड़ताल करना होगा और देखना होगा कि कौन सा कार्य अभी आपके लिए सही है। बिना सोचे समझे कहीं पर भी कदम ना रखें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आप अपनी नौकरी की मांग के चलते अस्वास्थ्य घंटों में भी काम करते रहें, इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाने से और जॉगिंग करने की कोशिश करें। इससे आपका शरीर और मन दोनों को तरोताजा महसूस करेंगे और आपके कार्यस्थल पर काम का अधिक तनाव होने के कारण आपकी स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा रही है। आपको रिलैक्स करने के लिए कोई और स्वास्थ्य तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपको फिटनेस महसूस हो। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन अपने साथी को प्रेम से संबंधित उपहार या फिर भावभंगियों के द्वारा आश्चर्यचकित करने का है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें भी कुछ अन्य समय पर अपना ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर रही है। देखिए दोस्तों, आपने अपने साथी को हर तरह से अपना मान लिया है, अब समय अपनी प्रशंसा दिखाने का है और यह सुनिश्चित करने की वह चीज आपको सहृदय वापस मिले। और हर हाल आज अपने साथी की अनदेखी रिश्तों में तनाव को भी बढ़ा सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगी, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगी, आज सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और आज आपके हैरान होने की संभावना है, क्योंकि आपके प्रबंधक कौशल की वजह से आप पाएंगे कि आपने कितना कुछ पाया है और आपके सारे बकाया कार्य पूर्ण हो जाएंगे और कुछ मुश्किल परियोजनाओं को रास्ते में जो रुकावट थी वह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो चीज़ें आपको बार बार रोक रही थी वह चीज़ें भी आपके रास्ते से हटने वाली है और आपको आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी। न केवल आप आसानी से अपने सभी कार्यों को बोझ खत्म करने में सक्षम होंगे, बल्कि अपने उत्साह के साथ आप आसपास हर किसी को प्रभावित करने में भी सक्षम रहेंगे। आपकी कार्य की क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और आपके काम करने का जो ढंग है वह लोग देखकर तारीफ करेंगे और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आपके रास्ते में कुछ उलझने भी आएगी, लेकिन आपको अपना ध्यान अपने गोल पर फोकस करना है, जो आपका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। आपको अपने कार्यों की ओर ध्यान देना है, बाकी चीज़ों से आपको ध्यान हटा देना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, समय आ चुका है उपाय की। जी हाँ, देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आप कर्जों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों आपके लिए
यह उपाय रामबाण साबित हो सकता है। जी हाँ, सबसे पहले सुबह उठने के बाद रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद सुंदरकांड का पाठ या फिर रामायण का पाठ जरूर करें। जी हाँ, अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आप रोजाना 10 मिनट ही सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति दूर होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर करिएगा, आपको बेहद लाभ होगा। धन्यवाद।